हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली लॉ। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने सेक्शन 6 टू सेक्शन 8 मोड ऑफ डिटरमिनिंग पार्टनरशिप एंड काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स जो है वो कवर किए थे, तो आज हम सेक्शन 9 टू सेक्शन 13 जो कि डील करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के साथ वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 बेसिकली डील करता है डिटरमिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट होती है, तो इसीलिए सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो पार्टनर्स की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं किसी भी फर्म में, उनको डिटरमिन किस तरह से किया जाएगा, उनको डिटरमिन किया जाएगा बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स सेट आउट होंगे, वो दो तरह का हो सकता है, और यही चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी मेंशन है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आइदर एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है। तो ये जो पार्टनरशिप का जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये भी जो है वो आइदर एक्सप्रेस भी हो सकता है या इम्प्लाइड भी हो सकता है। उसके अलावा सेक्शन 11 ये भी कहता है कि अगर ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स सेट आउट है, उसमें कोई चेंज लाना है, तो वेरिएशन के लिए भी जो है सभी पार्टनर्स की कंसेंट लाजमी है, और वो कंसेंट जो है वो भी दो तरह की हो सकती है, या तो पार्टनर्स एक्सप्रेसली जो है वो अपनी कंसेंट दें, या फिर वो इम्प्लाइडली जो है वो उनकी कंसेंट कंसीडर की जाए। उसके बाद है सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 जो कि बेसिकली ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है ऑन द सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब पहले हम देख लेते हैं कि सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। तो सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली ये कहता है कि हर वो एग्रीमेंट जिससे एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को किसी भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से जो है वो रिस्ट्रेन करे, रोके, तो ऐसा हर एग्रीमेंट जो है वो वॉइड कंसिडर किया जाएगा। मतलब सपोज कर लीजिए, अगर ए जो है वो बी के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि आप सपोज 6 months के लिए कोई भी लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस नहीं कर सकते, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या ये जो एग्रीमेंट है बिटवीन ए एंड बी, ये वॉइड है पर्सुएंट टू सेक्शन 27 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 11 सबसेक्शन 2 की, तो ये जो है वो ओवरराइड करता है सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, और ये कहता है कि सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी लिखा हुआ है उसके बावजूद भी जो पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पार्टनर्स जो है उनको रिस्ट्रेन किया जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस अदर देन दैट ऑफ द फर्म व्हाइल ही इज इन अ पार्टनर। मतलब के पार्टनर्स के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इन अ पार्टनरशिप फर्म कि आप जब तक इस फर्म के पार्टनर हैं तब तक आप कोई भी दूसरा बिजनेस, कोई भी दूसरा ट्रेड या कोई भी प्रोफेशन जो है वो दूसरा वो नहीं करेंगे या उसमें जो है वो आप इंटर नहीं होंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट्स अगर सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की नज़र से देखा जाए तो वो वॉइड है, लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट एक स्पेशल लॉ है तो स्पेशल लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा और ये ओवरराइड करेगा सेक्शन 27 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। उसके बाद हम देखते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। तो बेसिकली अगर हम राइट्स देखें तो पहला जो राइट है वो है राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। सेकेंडली पार्टनर्स के पास राइट है कि वो कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस में भी हिस्सा लें इक्वली। थर्डली राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। फोर्थली हर पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट और जो अदर बुक्स हैं फर्म के वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट टू सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन और सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, किसी किसी पार्टनर के पास राइट होता है कि वो रेमुनरेशन भी रिसीव। अब आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जो रेमुनरेशन का हक भी रखते हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, क्योंकि बेसिकली ये जो रेमुनरेशन रिसीव करने वाला राइट है वो हर किसी पार्टनर के पास अवेलेबल नहीं होता। उसके बाद देखेंगे कि राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब ये भी सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। एंड फाइनली राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अब अगर हम हर एक राइट को जो है वो इंडिविजुअली देखें तो सेक्शन 13 सबसेक्शन बी के मुताबिक हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो प्रॉफिट शेयर करे। मतलब के जितना भी प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म उसमें से हर कोई पार्टनर अपने कैपिटल के हिसाब से जो है वो प्रॉफिट रिसीव कर सकता है। और उसके साथ साथ हर पार्टनर जो है वो इक्वली लायबल है कि अगर कोई लॉस भी हो रहा है फर्म को तो वो भी जो है वो इक्वली सस्टेन करें। उसके बाद है हमारे पास सेकेंडली राइट टू टेक पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस। अब सेक्शन 12
का सबसेक्शन ए जो है वो बेसिकली कन्फर करता है राइट टू टेक पार्ट इन द कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस. अब कॉन्डक्ट ऑफ द बिजनेस बेसिकली रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस के जो मतलब जो फर्म जो बिजनेस कैरी ऑन कर रही है उसमें जो डे टू डे मैनेजमेंट है, डिसीजन टेकिंग है, वो जो सारे भी काम होंगे उस बिजनेस के लिए वो जो है वो मतलब सारे पार्टनर्स इक्वली उसमें हिस्सा ले सके. उसके बाद है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन जो कि अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन सी जो है वो इनविजिस्ड है. अब राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन को जो है वो राइट टू बी कंसल्टेड भी कहा जाता है. अच्छा, तो सेक्शन 12 सबसेक्शन सी ये बेसिकली कहता है कि अगर ऑर्डिनरी मैटर से रिलेटेड पार्टनर्स के दरमियान कोई भी डिफरेंस अराइज हो रहा है तो वो उस डिफरेंस को रिजॉल्व करने के लिए जो है वो मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स का जो डिसीजन है उसको कंसीडर किया जाएगा, लेकिन हर पार्टनर के पास राइट होगा कि वो अपना ओपिनियन शेयर करें. तो सपोज कर लें एक फर्म में जो है वो 10 पार्टनर्स हैं और उनको कोई भी बिजनेस के हवाले से कोई भी डिसीजन लेना है, तो अगर 7 पार्टनर्स जो है वो चाहते हैं कि डिसीजन ए लिया जाए और 3 पार्टनर्स जो है वो कह रहे हैं कि डिसीजन बी लिया जाए, तो अब मेजॉरिटी जिस साइड होगी वही जो है वो डिसीजन दिया जाएगा पर्सुएंट टू सेक्शन 12 सबसेक्शन सी. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी गिवन है कि अगर जो डिसीजन है वो ऐसा है कि नेचर ऑफ द बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, कि मतलब सपोज कर ले फर्म कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस कैरी ऑन करने के लिए बनाई गई है, तो अब उस बिजनेस को अगर चेंज करना है, बिजनेस की नेचर को चेंज करना है, तो अगर इस तरह का कोई डिसीजन है तो ये एक वाइटल डिसीजन हो गया. तो अब ऐसा डिसीजन जो है वो मेजॉरिटी ओपिनियन से नहीं होगा लेकिन हर किसी पार्टनर की कंसेंट के साथ होगा. मतलब अगर 10 पार्टनर्स हैं तो अगर 10 पार्टनर्स की ही कंसेंट होगी तो ही वो डिसीजन लिया जाएगा. उसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर पे है राइट टू इंस्पेक्ट एनी ऑफ द बुक्स. अब सेक्शन 12 सबसेक्शन डी ये कहता है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो फर्म की बुक्स को एक्सेस भी कर सकता है, उनको इंस्पेक्ट भी कर सकता है और उनकी कॉपी भी कर सकता है. अब बुक्स को देखें तो फर्म के जो है ये जो वर्ड यूज हुआ है एनी ऑफ द बुक्स, तो ये बेसिकली रेफर करता है टू काइंड्स ऑफ बुक्स को. तो किसी भी फर्म में जो है वो दो तरह की बुक्स होती है. तो फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को इंडिकेट करते हैं, यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं वो इनमें रिकॉर्डेड होती है. उसके अलावा जो सेकेंडली है वो अदर बुक्स. अदर बुक्स में बेसिकली कोई ऐसी बुक्स कंसीडर कर ले तो उस बिजनेस से रिलेटेड, फॉर इंस्टेंस उनका कोई रजिस्टर है जिसमें मेंशनड है कस्टमर्स के कौन कौन से कस्टमर्स हैं, या फॉर इंस्टेंस क्रेडिटर्स हैं कौन कौन से क्रेडिटर्स हैं और उनकी सारी डिटेल्स, तो अगर इस तरह की कोई बुक्स होंगी तो वो अदर बुक्स की कैटेगरी में फॉल करेंगी. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जाए कि अगर माइनर जो है वो पार्टनर है फर्म का, तो क्या माइनर के पास भी राइट है कि वो एनी ऑफ द बुक्स, यानी कि ये दो तरह की बुक्स जो हैं बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर बुक्स, वो एक्सेस कर सकता है इनको? तो यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि माइनर के पास राइट है कि वो सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है पर्सन टू सेक्शन 12D. बाकी जो अदर बुक्स हैं जिसमें कोई कस्टमर्स या क्रेडिटर्स की डिटेल्स है, वो बुक्स को एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का या कॉपी करने का राइट जो है वो माइनर पार्टनर के पास नहीं है अवेलेबल पर्सन टू पार्टनरशिप एक्ट. उसके बाद है नंबर 5 पे राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन. तो जनरली देखा जाए तो रेम्यूनरेशन बेसिकली कहा जाता है सैलरी को, कि आप कोई वर्क कर रहे हैं और उसके लिए आपको कोई अमाउंट जो है वो दिया जा रहा है. तो जनरली अगर देखा जाए तो पार्टनरशिप फर्म में जो है वो सभी पार्टनर्स अपना कैपिटल जो है वो लगाते हैं और फिर उसके बाद जितना भी प्रॉफिट आता है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. तो होना तो ये चाहिए कि किसी भी पार्टनर के पास राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वली पैसा लगा रहे हैं और जितना प्रॉफिट आ रहा है वो प्रॉफिट रिसीव कर रहे हैं. लेकिन एक दूसरी सिचुएशन ये भी होती है किसी किसी पार्टनरशिप फर्म में, कि फॉर इंस्टेंस एक फर्म में जो है वो 10 पार्टनर्स हैं, उस 10 पार्टनर्स में से 5 पार्टनर्स जो है वो एक्टिवली डे टू डे एक्टिविटीज जो भी है बिजनेस है उनको मैनेज कर रहे हैं, एक्टिवली वो पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो सारा काम देखते हैं, सब कुछ करते हैं, और जो दूसरे 5 पार्टनर्स हैं वो सिर्फ पैसा लगा के और बस अपने घर पे बैठे हुए हैं, लाइक दे आर रिलैक्स्ड और दे आर नॉट टेकिंग पार्ट एक्टिवली इन द डे टू डे मैनेजमेंट और अफेयर्स ऑफ द फर्म. तो ये जो है वो दो कैटेगरीज हो गई, दो तरह के पार्टनर्स हो गए, दो काइंड्स हो गए पार्टनर्स की. एक जो डे टू डे एक्टिविटीज को जो है वो मैनेज कर रहे हैं उनको कहा जाएगा एक्टिव पार्टनर्स, और दूसरे जो के सिर्फ कैपिटल लगा रहे हैं और बाकी अपने एफर्ट्स नहीं दे रहे बिजनेस में,
तो उनको कहा जाता है डोरमेंट पार्टनर्स। तो बेसिकली ये दो तरह के टाइप्स हैं, काइंड्स हैं पार्टनर्स की, वो भी हम आगे लेक्चर कवर करेंगे कि पार्टनर्स की कितनी काइंड होती है किसी भी पार्टनरशिप फॉर्म में। तो अब जो एक्टिव पार्टनर्स हैं, जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनके पास जो है वो राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन हो सकता है, लेकिन दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अगर पार्टनर्स सारे म्यूचुअली एग्री करते हैं कि हाँ ये पार्टनर्स जो है वो पैसा लगाने के अलावा भी अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं डे टू डे बिजनेस में, तो इनको जो है वो फिक्स्ड रेम्यूनरेशन दिया जाए, तो फिर इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो उनके दरमियान हो सकता है। तो अगर वो एग्री करते हैं तो फिर रेम्यूनरेशन का राइट वो रखेंगे, अगर नहीं करते एग्री तो फिर ये जो राइट है वो जनरली अवेलेबल नहीं होता पार्टनरशिप फॉर्म में। उसके बाद है राइट टू रिसीव पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सेक्शन 13 का सबसेक्शन सी ये कहता है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो जो है जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है एक फर्म में, उस कैपिटल के ऊपर वो इंटरेस्ट भी जो है वो रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो जो इंटरेस्ट उनको पे किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में से पे किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद है राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। अच्छा, तो एडवांसेस क्या होता है? एडवांसेस बेसिकली आप कहते हैं ऐसी पेमेंट को जो कि एक पार्टनर एक फर्म में जो है वो इन्वेस्ट करे बियॉन्ड द अमाउंट ऑफ द कैपिटल, कि मतलब आपका जो कैपिटल आप लगा रहे हैं उसके अलावा अगर आप कोई भी पेमेंट फर्म को करते हैं एज अ पार्टनर, तो उस अमाउंट को एडवांस जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो अब पार्टनरशिप एक्ट के मुताबिक अगर कोई पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस के पर्पस के लिए कैपिटल के अलावा कोई भी पेमेंट करता है के लिए, तो उस अमाउंट के ऊपर या उस एडवांस के ऊपर जो है वो उसका राइट है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे, और वो इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? वो होगा 6% पर ईयर के हिसाब से उसको जो है वो इंटरेस्ट दिया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स के ऊपर। तो बेसिकली कुछ जो है वो जनरल ड्यूटीज हैं पार्टनर्स की, उसके बाद स्पेसिफिक है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई, और उसके बाद है ड्यूटी टू कंडक्ट बिजनेस डिलिजेंटली। अब पहले हम देख लें जनरल ड्यूटीज को, तो सेक्शन 9 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट जो है वो जनरल ड्यूटीज से डील करता है। सेक्शन 9 में बेसिकली तीन तरह की जनरल ड्यूटीज हैं। पहला तो ये है कि हर पार्टनर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो बिजनेस जो है फर्म का वो इसको इस तरह से कंडक्ट करे, इस तरह से कैरी ऑन करे कि फर्म को जो है वो मतलब मैक्सिमम एडवांटेज हो, फर्म को जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट हो। उसके बाद सेकंड ड्यूटी हर पार्टनर की ये है कि वो एक दूसरे के साथ फेथफुल रहें, और थर्ड ड्यूटी ये है कि वो ट्रू अकाउंट्स रेंडर करें, और हर चीज के बारे में हर कोई भी ऐसी चीज जो कि फर्म को अफेक्ट कर रही है या फर्म को जो है वो अफेक्ट करेगी आइदर इन पॉजिटिव वे और इन नेगेटिव वे, उस चीज के बारे में एक दूसरे को जो है वो फुली इन्फॉर्म्ड रखें। तो ये है जनरल ड्यूटीज जो कि अंडर सेक्शन 9 गिवन है। उसके बाद स्पेसिफिक ड्यूटी है ड्यूटी टू इंडेमनीफाई। अच्छा जी, तो ड्यूटी टू इंडेमनीफाई में बेसिकली ये है कि हर पार्टनर जो है फर्म का वो इंडेमनीफाई करेगा फर्म को किसी भी लॉस के लिए जो लॉस उसकी फ्रॉड या नेग्लेक्ट की वजह से हुआ है। फॉर इंस्टेंस, अब एक पार्टनर जो है वो बिजनेस कंडक्ट कर रहा है फर्म का, और वहाँ पे वो फ्रॉड कर लेता है या कोई भी ऐसी विलफुल नेग्लिजेंस जो है वो कर लेता है जिसकी वजह से फर्म को नुकसान हो रहा है, तो अब उस नुकसान से बचाने की जो ड्यूटी है वो उस पार्टनर की है। ठीक है, अब इंडेमनीफाई बेसिकली वर्ड जो है वो रेफर करता है टू सेव फ्रॉम द लॉस, के फर्म को जितना भी लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेट करना या उस लॉस से बचाने की जो ड्यूटी है वो उस पार्टनर की है। उसके बाद आते हैं ड्यूटी टू कंडक्ट बिजनेस डिलिजेंटली। अब ये एक जनरल सी ड्यूटी है सेक्शन 12 सबसेक्शन बी में कि हर पार्टनर जो है वो ड्यूटी बाउंड है कि वो जो अपनी ड्यूटीज है वो डिलिजेंटली जो है वो निभाए इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। तो यही थी राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स।